हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? एंड 3 बज चुके हैं अभी तो। अभी मैं तैयार हो चुका हूँ एंड काफ़ी धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। सभी लोग सो रहे हैं एंड अभी मैं रेडी हो चुका हूँ एंड नवीन भी आ रहा है गाड़ी लेके, तो फिर अभी हम निकलेंगे यहाँ से। गाइस, यहाँ पे अभी 10 डिग्री सेल्सियस है हमारे यहाँ पे एंड शिमला का मैंने वेदर चेक किया अभी अभी, तो वहाँ पे 2 दिखा रहा है, 2 सेल्सियस। तो होपफुली मुझे ना ये डाल देनी चाहिए, थोड़ी मोटी है क्योंकि फील हो रही है भाई अभी से ठंड। मैं नहीं चाहता रास्ते में कुछ बीमार बीमार पड़ जाऊँ पहुँचने से पहले, तो एक बार मैं ये डाल लेता हूँ जल्दी से। तो यार जैकेट वैकेट की डाल दी है एंड थोड़ा ऐसा लग रहा हूँ मैं। अभी बैग उठा के बस चलते हैं नीचे, वो लोग भी आ चुके हैं तो गाड़ी में मिलते हैं अभी आपको बाकी लोगों से। बैठिए आप एक बार, ले लगा आपकी इंद्र को बोल दूं मैं एक बार। बैठिए तो आप एक बार, सुबह सुबह नींद खोली जाती है। समझाना है तो लेफ्ट राइट क्यों हो रही है भाई गाड़ी? अरे वो थोड़े मोटे गड्ढे है ना, उनसे बचा रहा हूँ। क्या उतर क्यों रहा है? बुलाने के लिए रुके हैं अभी। लगा दिया अंकल के सुसु करने गया उनको। हेलो भाई। भाई कितने का टैंक है? 35 लीटर का। देखो कितना आएगा, 30 लीटर तो आ ही जाएगा। हाँ तो जाना थी यहाँ पे है तो हो गया ना। आज नहीं ले रहा सॉरी भाई, सुबह हो चुकी है। कितना टाइम हो गया भाई? साढ़े छः। कितने घंटे का टाइम? 2 घंटे और लगे। 3 घंटे? 3 घंटे और लगे भाई। 3.5 घंटे थे रात में। सुबह तो 600 meters स्लाइट लेफ्ट। और हम देख रहे हैं भाई ये हाईवे 152 वीडियो। अभी सन ने क्या रिपोर्ट? कितने फेल हो रहे हैं इसके? वी आर एंजॉयिंग द ट्रिप, everything going nicely, smoothly. थोड़ा और बोलिए, थोड़ा और बोलिए। अभी इतना क्या था? बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे थे अभी। वो एक बोल और बोल जो से जो था यही था, इससे आगे हमारे पास शब्द नहीं बचे। स्लाइट लेफ्ट टू स्टे ऑन नेशनल हाईवे 152। चलो भाई दिखाते हैं। तू है बोल रहे अभी? अरे चला रहे तीन घंटे। चलो बता दी भाई, हमने भी भाई कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं यहाँ पे, जो मैं दिखाता हूँ बाहर जाके। मन्नत तो भाई खाना वाना खा लिया अभी, अभी निकलेंगे दोबारा यहाँ से। खाना काफी सही था यार। व्यू काफी अच्छा यार। अरे हमारा विराट कोहली भी है क्या? हाँ भाई, कैसा लगा गाड़ी चला के? गाड़ी चला के बस ठीक लगा। ये भाई का थोड़ा हाल खराब हो जाता है मामला। तो नहीं यार, इतनी ठंडी थोड़ी ना है, उतार भाई इसको। या फिर बाढ़ बाढ़ पड़ेंगे मुझे यार, पानी तो उठ गई। बहुत पैर रहा हूँ ना, बुढ़ापा आ गया सारे तेरे में भाई। इसके लिए यार लाल हो गया भाई, तुमको कुछ ना होता नहीं। ट्रांसप्लांट करा देंगे तेरे। मैं तो खुद फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। काफी सही है यार, अच्छे रोड अच्छे बने। ये देखो व्यू देखो यार। We'll be right back.
दोस्तों फाइनली पहुंच गए भाई शिमला। 8 मिनट दूर है होटल हमारा जहाँ पे हमने बुक किया हुआ है। तो दोस्तों होटल पहुंच चुके हैं, अभी सामान वगैरह निकाल रहे हैं। घंटे लग गए अपने को, अपने को लग गए पूरे 6.5 घंटे। 6.5 घंटे ना, इतना कर रहा है। थोड़ा कम किया था, 1.5 घंटा था। भाई गलत लेवल का वो था ना ट्रैफिक, आधा घंटा तो ऑटो टोन में लाए के लिए। चलो अभी अंदर जाके ना मैं आपको व्यू दिखाता हूँ क्या कुछ सीन है। ये एरिया में होटल लिया तो थोड़ा ना रूफ की शेप में मिल रहा है अपने को, दिखाता हूँ तुमको, काफी सही है। ये हमारा होटल, ओ हो उद्घाटन, ये देखो सही है भाई, छोटा सा मस्त है कमरा है, व्यू काफी खतरनाक है यहाँ पे। ये सचिन बैठा बाहर, अभी दोबारा गाड़ी चलानी है, पहल थक गया। ओ ये व्यू है, ये थोड़ी कवर्ड है, न्यूज़ चल रही है भाई, शेप काफ़ी सही लग रही है मेरे को, मैं कभी रुका नहीं इस टाइप में। ये देखो भाई रात को मज़ा आएगा भाई यहाँ पे जब पूरी एकदम ना लाइट वाइट हो जाए। चलो मैं बाहर से एक बार तुम लोगों को ना वो दिखाता हूँ व्यू क्या सीन है। ये थोड़ा बाथरूम हमारा, दोस्तों ये है खतरनाक सा व्यू हमारे होटल का। ये हमको 2 रूम मिले, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और ये थोड़ा स्पेस है बाहर के लिए। तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है, देखो ओ भाई देख रहे हो। तो हम रात को ऑब्वियसली यहाँ पे डिनर करने का प्लान है, यहाँ पे बैठ के। तो ये सारा सीन है भाई यहाँ पे, एंड जरूर से ज़्यादा ही टाइम लग गया, 11 घंटे का आसपास का एक्सपेक्ट किया था एंड उतना ही लगा, आई थिंक 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। जहाँ तक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हिमाचल में एज़ कम्पेयर टू उत्तराखंड, हम लास्ट टाइम गए थे वहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था एज़ कम्पेयर टू हिमाचल यहाँ पे। बट पुलिस वाली जो वो क्यू है ना उन्होंने मैनेजमेंट ट्रैफिक के लिए, वो काफ़ी सही लगी मुझे, वो हमेशा आप लोग बताते रहते हैं कि यहाँ रुको, यहाँ से निकलो, वहाँ से रुको, तो वो चीज़ काफ़ी सही है। एंड ये अभी तो व्यू काफ़ी सही है, अब यहाँ पे कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक करने का प्लान है, फिर यहाँ से हम जाने वाले हैं कुफरी के लिए, निकलने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, अभी लंच करेंगे, सभी लोग थक गए हैं एंड जिसको नहाना वाना है वो नहा धो के लंच करके फिर निकलेंगे कुफरी के लिए। यार कुफरी में दिखाता हूँ आपको क्या कुछ होगा सीन। ओके तुमने सही चढ़ाई, 49 मिनट दिखा रहा भाई कुफरी, अभी आपको रोड दिखाता हूँ भाई, रोड काफ़ी खतरनाक है भाई यहाँ पे, ये रोड देखो लो। मेडम लाइक ऑफ फ्री में ना जाम लग गया भाई, ये तो चढ़ाना मुश्किल है, एंड ब्रेक उठानी पड़े है मतलब गाड़ी तो मन ना दे नहीं रहा गाड़ी भाई, आगे भी गाड़ी और पीछे भी गाड़ी, कितना लंबा जाम लग गया भाई। कीर्तन को तो खाली है रोड है ना, पीछे देख वो तेरी भाई, यहाँ पे स्किल चाहिए जाम में फंसे रहने के लिए इसकी इस पे हाथ रखो हैंड ब्रेक पे और इस गियर पे हमने दीवानी भाई, खतरनाक ड्राइविंग यार यहाँ भाई, एक्सपीरियंस ड्राइवर चाहिए मेरे जैसे भी, ये तो डाउट है भाई थोड़ा मारा कर दे रहा कि चलाना है तेरे सीख ले, पता नहीं भगवान ने मैं ऊपर भेज दिया था ये तू ना मैंने चलानी पड़ेगी आधे रास्ते में आ जाओ रगड़ी रे धोख मार के इसकी ये सब है दिखाता हूँ तुम लोगों को। क्या क्या बता रहे थे तो ये तो सब मेरी करे बात, आप सब कुछ देखो, गो कार्टिंग है, गो कार्टिंग है, झूले है, जिप लाइनिंग है, रोप कोर्स, ये राइड 600 रुपये में कौन सी मिल जाएगी, ठीक है एक तो इस राइड से कर जा, बैंड मिल गया हमको, हम देखते हैं अंदर जाके कौन से क्या झूले निकाले हैं।
जिप लाइन भी है, जिप लाइन के लिए है ना, किसके लिए है? अपन लिए एडवेंचर राइड्स की, राइड करेंगे। हां चार राइड कार। हां कितनी बार करोगे? एक एक बार ही देंगे, एक ही बार होंगे भाई। हां अच्छा अच्छा, ₹100 में स्कैम लग रहा है, और एक्सपेंसिव है तो देखते हो भाई, वो तो अंदर जाके बता दे। बाकी ये देखो यार, थोड़ी सी हाइकिंग सी भी है। ओ भाई सनी, बुरा हाल हो गया मेरा तो यार, मजा आ गया कभी ऐसा। ये पे भी कम देर बजाई वाला हुआ है, हार्ट बीट सही तेज हो गया। भाई क्या मैं शेयर करा कर, देख ले भाई देख ले, तू मान नहीं रहा। वो देख एक भाई, तू खाव चने भी तोड़े मेरे काट करते के हो गया। हां क्या हाल है, डेड हो गया भाई, कुत्ते फेल हो गए ऊपर इतने में। फोटो क्लिक करा लिया, अभी हम जाएंगे कहाँ पे जाएंगे भाई? अभी ऊपर देखो, ऊपर जाएंगे। एक तो यहाँ पे और व्यूज काफी खतरनाक है, ये जिप लाइन हो रही है यहाँ पे। ओ भाई बहुत खतरनाक था यार, कैसा लगा भाई? मस्त, फैंटाबुलस, सब खतरनाक दिला यार ये तो। इतनी सोची नहीं थी ना तेज चला जाएगा, दिखने में ऐसा नहीं लगा, सिंपल सा है ना। इसको सर्विस भी नहीं दी दिखती, एक मिनट लगा था नीचे गए भाई, समझ आ गया यार ये तो। ये हनीमून बेंच। तो गाइस हमने दो राइड ले ली है, अभी तीन बाकी है, एंड ये हमको पड़ा है 600 पर पर्सन, तो आई थिंक काफी सही है। अभी तीन राइड और बाकी, देखते कैसे क्या रहता है भाई। दो तो बढ़िया देने, पहली वाली तो दूसरी थोड़ी बच्चों के लिए थी, बट ठीक है जो है। पांच अभी तीन और बाकी है, मजे में आ गए। अभी चलते आगे, देखते कौन सी तीन और है। बढ़िया कौन यार इसकी, एक दो कॉफी करा दे स्टीम वाले। अभी कुछ खाना खाएंगे, भूख लगाई भाई। पांच राइड की, पांचों एक एक थोड़ी बच्चों वाली, बाकी चार एक नंबर की, मजा आ गया। एंड अभी इस बैंड को तोड़ के फेंकने का टाइम आ गया, देख लिया कम और भी रहता हो इस बापड़ा, काफी थकावट होगी। नहीं एंड भाई लास्ट में क्या डोसा खा लिया, दिमाग खराब हो गया भाई। उससे अच्छा बर्गर अच्छा था। लैटरिंग भाई यहाँ ना, फूड की क्वालिटी बहुत बेकार है। परांठे के अलावा कुछ नहीं बनाना, नहीं नहीं दिल्ली हरियाणा का, दिल्ली हरियाणा का फूड नेक्स्ट लेवल है भाई। एज बिना खाई हुई थी है ना, बर्गर पे रह गया मेरे कसम से भाई। रिस्क मत लो यार, यहाँ पे आओ तो ना दो तीन चीज खाओ, पराठे खाओ, पराठे खाओ, चाय पियो, पराठे खाओ, चाय पियो, मैगी खा लो बस भाई साहब। बहुत ज्यादा खराब खा लिया यार, ऐसे ना मन खराब हो गया। चलो अभी मिलते हैं होटल पे जाके, ठीक है? अभी रेस्ट वेस्ट करेंगे, काफी ज्यादा थकावट हो गई है। ये देखो पकड़ ले बस यार, छाती पोंछ के तेरी टांग है ऐसे नहीं भाई। एक रुक इधर आ, हां ले भाई इधर आ, तो ले भाई सब इतने बाहर क्या कुछ सीन है रूम का। भाई ये सीन है, ये व्यू है हमारे यहाँ का होटल के रूम के बाहर का। ओ भाई का
भाई कसम से गजब है ना। अभी माल रोड के लिए जा रहे हैं भाई, लिफ्ट से जाना पड़ता है यहाँ से। कैसा लगा शिमला भैया? आप पूछिए मत, जो हमने सिचुएशन फेस की है यहाँ पे वो काफी खतरनाक है, फिर भी आप यहाँ भी ना आए। मसूरी अच्छा था, मसूरी बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे आप वहाँ पे जा सकते हैं अगर आपको पहाड़ों पे ही घूमना है तो। भाई सब ये काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा है भाई। कैसा क्या कुछ आगे ये लिफ्ट जाती है भाई ऊपर माल रोड की तरफ, यहाँ से एंट्री है तो टिकट लेनी पड़ती है लिफ्ट के लिए। लिफ्ट के भी पैसे लगते हैं भाई, पहली बार देखा। कोई आदमी आ जाए लूट लो, आ जाओ। लिफ्ट के लिए लाइन लगी हुई है। दिखाता हूँ तुम लोगों को माल रोड के मजे। समय अलग सा माल रोड है ना, है तो सेम ही, बस समय की कमी है बस। कितना टाइम हो रखा है? 9 बजे के आसपास आए हम, काफी सही है, एक्टिव है यहाँ पे सब कुछ। ये भाई यहाँ पे आ चुके हैं। तो दोस्तों ये है माल रोड हमारा। उधर चलते हैं क्या हम आपसे? काफी अच्छा लग रहा है भाई, तिरंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। थोड़ा पास दिखाते हैं, काफी बड़ी है यार ये, काफी सही है स्टैचू। और यहाँ से भाई व्यू काफी सही है, व्यू दिखाता हूँ तुम लोगों को भी। तेरे दिन दूर पैदल चल के आए, फिर तो व्यू बढ़िया नहीं लग गया? बढ़िया का एनवायरनमेंट है, हाँ बढ़िया शांति भी पूरी यहाँ पर है। खाना और बढ़िया खा जाएगा, हाँ खाना अड़े लग रहे टेंट टूंट स्टॉल वगैरह, ये तो काफी सही है यार। सुबह जाने का प्लान दोस्तों, काफी दूर है यहाँ। ओ इस पे रिस्क लिया हो गया, पहाड़ों की साइड यार खाना है नहीं यार सच। अच्छा नहीं अभी डोमिनोज देखते हैं, पहाड़ी डोमिनोज बढ़िया लग रहा है, बाकी खा के देखेंगे। बढ़िया, तो वापस आ गए एंड अभी कितना टाइम हो गया भाई? भाई आज थकावट वाला दिन है भाई। एंड जो लोग भी भाई शिमला आना चाह रहे हो ना, गूगल मैप को मत देखना। ये कि भाई मोस्ट एडवाइज टिप है भाई, कुछ दिखाते कुछ है, होता कुछ है, पोस्टते कुछ है, गलत ही सीन। आज तो पूरा दिन हम भटकते रहे ऐसे ही। इसी के साथ अब कल हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मनाली, कल मनाली के लिए निकलेंगे। होपफुली वहाँ पे स्नो मिल जाए तो काफ़ी कुछ करने को होगा। अभी के लिए इतना ही, बस अब सोने की तैयारी है। एंड गुड नाइट भाई, बाय बाय। अरे रहन दे, पत्नी को क्यों दी? ओह।